राहुल गांधी पै अनर्हता वेडुक निरसनगा कांग्रेस चेपटिन सत्याग्रह दीक्षलो एसीसी अध्यक्षुडु खर्गे मात्लाडुतुन्नारु प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा चूदा। एकजुट होकर राहुल गांधी जी के साथ खड़े हुए हैं, ये हमको दिखाना है। और ये जो सत्याग्रह है, ये 10 से 5 तक, ये सिर्फ एक आज के लिए है, लेकिन ऐसे सैकड़ों सत्याग्रह सारे देश में होंगे और हर जगह होंगे। कांग्रेस, बीजेपी सरकार और मोदी जी, खास करके हमारे को कमजोर समझ रही है। अगर कोई व्यक्ति अहंकार से हमारे को कुचलने की कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का भी हमारे पास एक बार और एक बार मुझे याद है, जब मैं विद्यार्थी था तो लॉ में पढ़ता था, तो उसी वक्त ये पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी, हमें कमजोर मत समझो, हमारे पास वो शक्ति है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो हमको अगर कोई सताने की कोशिश करता है, सत्य बोलने से रोक सकता है, प्रामाणिकता से चलने के लिए हमको कोई आड़ा आता है और देश को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बचाने के लिए जो कुछ भी कुर्बानी देना है हम देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। यही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। किनके खिलाफ लड़ रहे हैं? जो भ्रष्टाचारी है, जो इस देश के, थोड़ा सुनो, सुन के जाके अपने गांव में बोलो। देखिए राहुल जी किसके लिए लड़ रहे हैं? इस देश के जनता के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आज कीमतें इतने ऊपर चले गए, उसको नीचे लाने के लिए, लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए वो लड़ रहे हैं, और उनके ऊपर आप केस करते हो। अरे कोलार में जो बात हो गई वो चुनाव में थी, और वही कहा, किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने कोलार जो हमारे कर्नाटक में है, वहां का केस सूरत में लाते हैं। आपकी मंशा क्या है? अगर कोई घटना होती है उसी स्टेट में करना चाहिए था। अगर आप में हिम्मत होता तो वो कर्नाटक में वो केस करके दिखाना था, लेकिन आप कहां पर लाए? सूरत में लाए। और ये सूरत में आप लाए, सूरत में लाकर केस रजिस्टर करके बार बार राहुल जी को बुलाए, उनकी बात सुने, उन्होंने कुछ किसी के खिलाफ नहीं बोले, और कोई ऐसा डिफेमेशन केस नहीं होने वाला था, लेकिन इनको राहुल जी का मुंह बंद करना है। जो अपने विचार सत्य के लिए रखते हैं और लोगों के लिए रखते हैं, वो चाहते हैं अगर राहुल जी का मुंह बंद कर दिए
तो ऑटोमेटिक कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस का मुंह बंद कर दिया।